और करार खो रहे हैं हम तेरे इश्क में बेकरार हो रहे हैं जी हाँ दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त संदीप मौर्य आप देख रहे हैं संदीप बॉलीवुड और एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे आपको पता है यहाँ पे सच्ची बातें ही बताई जाती हैं सच्चा रिव्यू ही होता है यहाँ कोई सिंपैथी नहीं कोई पेड रिव्यूज नहीं जो होती हैं दिल से दिल तक बातें जाती हैं उसी कड़ी में हम लोग एक नए सॉन्ग को रिव्यू करने आए हैं उस सॉन्ग का नाम है तुम जो ना होते तो जो लोग संदीप मौर्य चैनल के रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता होगा यहाँ पे सबकी डिमांड पूरी होती है अभी होली है सॉन्ग राष्ट्रीय बाग ने गाया था मैंने उसमें बोला था कि देखना बहुत जल्द इनको हिमेश के दिल से एल्बम में मौका मिलेगा और आज देखिए संदीप मौर्य की उस बात पर मोहर लग चुकी है राष्ट्रीय बाग का एक गाना आ चुका है लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर जो भी रिव्यू करेंगे सच्चा रिव्यू करेंगे इसलिए मेरा डिस्क्लेमर है मैं जो भी रिव्यू कर रहा हूँ माने कि मुझे जितना म्यूजिक के बारे में नॉलेज है मैं आपको सच्ची बातें बताने की कोशिश करता हूँ मैं मेरी मेरी कतई ये भावना नहीं मैं किसी को ऊपर उठाऊँ किसी को नीचे गिर आप लोग जाइए खुद देखिए खुद गाने को जज कीजिए तो दोस्तों शुरू करते हैं इस गाने का रिव्यू इस गा... आइए हुजूर चढ़ाते हैं आप पे अपने इस वीडियो का सुरोत हाँ दोस्तों इस गाने के बारे में पहले बता दूँ इस गाने का नाम है तुम जो ना होते और ये गाना है हिमेश के दिल से एल्बम में और इसके म्यूजिक डायरेक्टर रिल हमेशा के तरीके हिमेश रेशमिया जी हैं और इसकी सिंगर हैं राजश्री बाग और माने कि अब मैं बताऊँ गाने के बारे में देखिए शायरी शुरू होगी हिमेश जी ने जो डायलॉग मारा है परफेक्ट मारा है आजकल जो दो तीन पिछले दो तीन गानों में डायलॉग काफी परफेक्ट आ रहे हैं बहुत ही खूबसूरत फील से बोली है ये एक लाइन का डायलॉग बहुत ही दिल से दिल तक गया है पूरे गाने का सार इस डायलॉग में आपको मिल जाएगा और बहुत ही अच्छी मिक्सिंग भी की गई है अब हम बात करेंगे म्यूज़िक की देखिए म्यूज़िक जब शुरू होगा गिटार की लीडिंग सुनाई देगी लेकिन इस गाने में कुछ नहीं बहुत कुछ अलग है आप देखिए मैं हमेशा इस बात की इमेज कंप्लेन करता था कि सेम 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 टाइप के आप लोग म्यूज़िक बना रहे हो कोई अच्छी बात नहीं सेम रिदम सेम वो लेकिन इस गाने में परफेक्ट गाना मुझे मिला है इसको कहते हैं रियल हिमेश रेशमिया स्टाइल इसको कहते हैं दिल से दिल तक का काम जो बात अच्छी है वो बात अच्छी है संदीप मौर्य कभी गलत बात नहीं करता क्योंकि मैं चाहता हूँ हिमेश जी का चैनल इंडिया नहीं वर्ल्ड का नंबर वन चैनल बने इसलिए मैं फर्जी वाह नहीं कर पाता जो अच्छी बातें होती मैं अच्छी बताता हूँ तो ओवरऑल इसका म्यूज़िक आप देखिए काफ़ी अच्छा म्यूज़िक है काफ़ी दिल से दिल तक आपके जाएगा म्यूज़िक जिस तरीके से गिटार बजाए जिस तरीके से बांसुरी वाले भैया ने समा बांधा है ना कमाल कर दिया बीच 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 में आपको जो सारंगी सुनाई देगी ना बहुत खूबसूरत माने कि जो इसका म्यूज़िक अरेंजमेंट है जो रिदम पैटर्न है काफ़ी अच्छा रिदम पैटर्न है और काफ़ी दिल से दिल तक इसका म्यूजिक जा रहा है और म्यूज़िक अरेंजमेंट्स की मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है जिस तरीके म्यूजिक ट्रांजेक्शन दिए हैं बहुत खूबसूरत इसको कहते हैं दिल से काम मैं बार बार यही बोल रहा हूं क्योंकि मैं बहुत दिन बाद कोई ऐसी चीज़ दिखी है और मैं ये बात बोल सकता हूँ कि ये गाना हिमेश जी की प्रेजेंट में ही मिक्स एंड मास्टर किया गया होगा क्योंकि इनकी मिक्सिंग एंड मास्टरिंग टीम सेम 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 काम सेम तरीके वो काम लास्ट के दो तीन गानों में मैंने बोला था ऑटो ट्यूनर ऑटो ट्यूनर लगाते चले जा रहे हैं लेकिन इस गाने में देखिए कितनी परफेक्ट तरीके से मिक्सिंग की गई है अगर इसी तरीके लोग काम करने लगे तो हिमेश जी का चैनल नंबर वन बनेगा और कंग्रेचुलेसन हिमेश में टीम को जो अब इतना अच्छा काम निकल के सामने आया है यही काम मुझे चाहिए मैं क्या बोलूँ और मैं दिल से खुश हूँ जिस तरीके से मैंने कंप्लेन की चार पांच गानों में उसको सुना और इस बार इसमें सुधार किया थैंक यू सो मच तो यही काम आउटपुट निकल के आना चाहिए और लिरिक्स इसकी काफ़ी अच्छी है दिल से दिल तक जा रही अब बात करते राश्री बाग की सिंगिंग की माने कि जो जब इनका होली है सॉन्ग मैंने सुना मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बोला था कि देखो इनको मौका मिलेगा और मिल गया और जो इन्होंने गाया है ना यार इनकी वॉइस देखिए इनका फील देखिए इनका स्टाइल देखिए माने कि इतनी मीठी आवाज़ है इनकी इतना फील करके गा रही इतनी सी एज में जिस तरीके ये गा रही है काफ़ी बिल तारीफ़ दोनों अंतरे बहुत ही अच्छे से गाए हैं मतलब मैं क्या बताऊं ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग है फेवरेट सॉन्ग है इसको कहते हैं कि हिमेश जी का रियल काम अगर ऐसे ही ये लोग काम करेंगे तो ज़रूर इन लोगों की विशेष पूरी होंगी चैनल बहुत आगे जाएगा लेकिन जब जब कोई गलत काम आएगा जब जब मुझे लगेगा मुझे बोलना चाहिए मैं खुला यहाँ पे बोलूँगा क्योंकि यार मैं दिल से अच्छी बातें चाहता हूँ तो ये गाना बहुत अच्छा आप लोग जाइए इसको देखिए और इस गाने को दिल से प्रमोट कीजिए और हाँ लास्ट गाना वो जो आया था अमरजीत जयकर का उसका मैंने रिव्यू किया माने कि बहुत अच्छा अमरजीत ने गाया भी था लेकिन मैंने सच्चाई बोली है उस गाने में कि यार इनको दूसरा ट्रैक क्यों नहीं तो हिमेश जी से मेरी इस बार फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सर अमरजीत जयकर जी को एक फ्रेश गाना दिया जाए एक नया गाना दिया जाए क्योंकि उस बंदे में वो दम है जो पूरे इंडिया पे छा सकता है और अगर हो सके तो इनको बॉलीवुड में भी लाया जाए जिस तरीके से इनके साथ दुआएं हैं लोगों की जिस तरीके से काम कर रहे हैं बहुत खूबसूरत और हिमेश जी आपको थैंक यू सो मच जो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन सर आपकी टीम कहीं कहीं भटक जाती बीच बीच में तो प्लीज़ रियलिटी शो छोड़ के एक बार टीम को भी देख लिया कीजिए और इस बार हिमेश जी की टीम को बहुत अच्छा काम किया है ऐसे ही आप लोग काम कीजिए लेकिन जब जब गलत काम करेंगे संदीप मौर्य यहां पे जरूर आके बताएगा तो ये था ओवरऑल इस गाने का रिव्यू आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं प्लीज 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 मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें जय माता दी जय लव यू लॉट